गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको एक सब जो सब्जेक्ट पढ़ना है ग्रुप बी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आज जो हम लोगों का क्लास है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता क्या है और उसके बाद इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यदि हम लोग सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का डिफिनेशन ये होता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर विच आर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इंजीनियरों की एक भाषा है जिसमें एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बातचीत करता है। ठीक है, तब आपके दिमाग में आपके जेहन में एक सवाल कौंधना चाहिए, एक सवाल आना चाहिए कि सर जब इतना सारा लैंग्वेज ऑलरेडी था, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मगही या आपका फ्रांस का भाषा फ्रेंच या आपका इंग्लैंड का भाषा इंग्लिश या बहुत सारे देशों का अपना अपना स्पेनिश भाषा है, चाइनीज भाषा है, सब बहुत सारा भाषा है, ये सब भाषा है तो इंजीनियर को एक अलग भाषा क्यों दिया गया जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। क्योंकि हमने आपको डिफिनेशन समझाया कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैंग्वेज है इंजीनियर का जिसमें एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बातचीत करता है। तब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए जो हमने अभी बताया और इसका आंसर क्या है, इसका आपका सवाल जब उठा है तो इसका आपका उत्तर होना चाहिए। इसका उत्तर ये है कि आप जो देश जो देख रहे हैं जो 250 प्लस देश है उसमें सबसे ज्यादा जो बोला जाने वाला भाषा है वो इंग्लिश ही सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा है। हिंदी की हम लोग बात करें तो 4-5 देश बोलता है और अलग अलग भाषा की हम लोग बात करें फ्रेंच का भाषा या स्पेनिश का भाषा या चाइनीज का भाषा तो एक दो देश बोलता है। ठीक है, कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जो यूनिवर्सल लेवल पर हो, पूरे आपका जो भी देश है 250 देश में सब भाषा चलता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन 250 प्लस देश है तो सबके लिए इंजीनियरिंग सर हर जगह पे है, हर देश में इंजीनियरिंग हो रहा है तो एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज चाहिए था जो पूरा देश अपना पूरा जो वर्ल्ड है वो जाने, उसी इसीलिए एक नया भाषा दिया गया और जिसका नाम क्या बताया गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये इंजीनियरों की भाषा है, दूसरे लोग इसको नहीं समझते हैं, ये सिर्फ इंजीनियर लोग ही समझते हैं। ठीक है, या इंजीनियर के साथ में काम करने वाले लोग जो होते हैं, जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके साथ जो मिस्त्री काम करने वाला है, जो टेक्नीशियन काम करने वाला है, उन लोगों को इसके बारे में जानकारी होता है और उन लोग काम करते करते प्रैक्टिस से सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तभी वो मिस्त्री बन पाते हैं, तभी वो आपका अलग इस तरह का काम करते हैं। लेकिन आप जो है आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होता है, वो आपका प्रैक्टिस से भी आएगा और आपका एक्सपीरियंस तो बहुत मायने रखता है, एक्सपीरियंस से भी आएगा और यहाँ पे आप पढ़िएगा तो थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस आपको ड्राइंग का नॉलेज दोनों मिलेगा। तो ये आपका रहा सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया क्या है, कैसे हम लोग काम करते हैं। इसमें जो टोटल पढ़ना है 6 यूनिट आपको पढ़ना है। 6 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग आपका ड्राइंग है, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलिए। तो ये इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो इस सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है क्या कि पहला जो पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशन में के बारे में पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इस जो सब्जेक्ट आप बनाइएगा उसमें आपको बेसिकली ड्राइंग बनाना रहेगा, तो ड्राइंग बनाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ता है। जो कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप स्केल जानते हैं, पेंसिल जानते हैं, इरेजर जानते हैं, कंपास जानते हैं, प्रोटेक्टर जानते हैं, सेट स्क्वायर जानते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन अब हम लोग को कुछ कुछ नया इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे मिनी ड्राफ्टर है, आपका ड्राइंग बोर्ड है, टेम्पलेट है, आपका टी स्क्वायर है, समझ गए, ये अलग अलग तरह का, इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट है, सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका एप्लीकेशन, उससे करते क्या है, जैसे मिनी ड्राफ्टर से क्या करते हैं, मिनी ड्राफ्टर से क्या होता है। जैसे मान लीजिए मिनी ड्राफ्टर से आपको बोला जाए कि कर्व बन सकता है क्या, स्मूथ कर्व बन सकता है क्या, तो आपको जवाब देना है कि नहीं बन सकता है, उससे आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैरेलल और इंक्लाइन लाइन बन सकता है, ये 4 तरह का काम होता है। कैसा दिखता है, क्या होता है, सब हम लोग फिगर से चर्चा करेंगे जब हम लोग आगे डिटेल्स में क्लास करेंगे तब, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ना है उसमें स्केल पढ़ना है। अब कहिए सर स्केल तो हम लोग जानते ही है, स्केल क्या पढ़ाइएगा,
वो जो आप स्केल जिसका नाम दिए हुए हैं, स्केल नहीं है, वो स्टील रूल होता है, जिसको हम लोग आपस में इधर बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, स्केल स्केल स्केल, वो स्केल नहीं है, स्टील रूल होता है। ठीक है, अब स्केल में क्या होता है, स्केल में एक फैक्टर आता है जिसका हम लोग बोलते हैं आरएफ। आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के आधार पर तीन तरह का आपका स्केल को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपका इनलार्जिंग स्केल होता है, इनलार्जिंग स्केल होता है, इनलार्जिंग स्केल होता है, रिड्यूसिंग स्केल होता है, रिड्यूसिंग स्केल होता है, और आपका फुल स्केल होता है। ये तीन तरह का स्केल होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद स्केल, यदि इंजीनियरिंग स्केल की हम लोग बात करें, तो आपका चार तरह का इंजीनियरिंग स्केल भी होता है, जिसमें हम लोगों के सिलेबस में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस में दो तरह का स्केल को बनाना है, और वहां से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। वह आपका कौन सा स्केल रहेगा, तो प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, ठीक है, और डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। इस दोनों स्केल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये दोनों स्केल का ड्राइंग हम लोग बनाएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, और उसके बाद ड्रॉ करना रहेगा, स्केल बनाना रहेगा। तो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को हम लोग समझेंगे। इसके अलावा आपका बार्नियर स्केल भी होता है, कंपेरेटिव स्केल होता है, स्केल ऑफ कोड भी होता है। तो ये सब स्केल जो है वो आपका हायर स्टडी में पढ़ना है, जैसे बीटेक लेवल में या उससे आपका आगे का एमटेक का पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में यही दो स्केल के बारे में पढ़ना है और इसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन टेक्निक, डायमेंशन टेक्निक, डायमेंशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे हम लोग इसी यूनिट में पढ़ेंगे क्या, इसी यूनिट में लाइंस, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, लाइन क्या है और कहाँ कहाँ कितने टाइप का, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में जानेंगे। ये सब टॉपिक हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट यूनिट जो है आपका समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। और इसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सवाल हर बार पूछा जाता है परीक्षा में, जो सेमेस्टर के एग्जाम में है, वो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में, बाकी जो आपका ये सब चीजें हैं, डायमेंशन टेक्निक हो गया, लाइंस हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशन हो गया, तो इसमें इस सबसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ये सब टॉपिक से क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव जवाब, ऑब्जेक्टिव सवाल। इतना आप पढ़ते हैं तो आपका ये यूनिट जो है खत्म हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा यूनिट में हम लोग चले जाएंगे। दूसरा यूनिट जो है वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, ग्राफिक का मतलब रिप्रेजेंट करना, प्रोजेक्शन का मतलब है कि किसी चीज का, जैसे आप मान लीजिए कोई है, लाइट आप इधर से दे रहे हैं, तो लाइट से जो छाया बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन करना, मतलब प्रोजेक्ट करना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, प्रोजेक्शन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो अगला यूनिट में हम लोग का है, और उसके बाद ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये चार तरह का प्रोजेक्शन है। चारों तरह के प्रोजेक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है, पढ़ना सिर्फ दो तरह का, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो अगला यूनिट में, तीसरा यूनिट में है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से शुरू करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग का शुरुआत प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हम लोग आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, और लाइन के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और प्लेन के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड सिलेबस में जो लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड ही बात किया है, लेकिन अभी कुछ समय से, दो तीन साल से पहले से, आपका कभी कभी पॉइंट का और लाइन का सवाल पूछ दिया जाता है। इसलिए ये पूरा यहाँ से बेसिक शुरू होता है, और जैसे पॉइंट हो गया, सिंपल पॉइंट का आप प्रोजेक्शन सीख गए, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट को ही तो लाइन हम लोग बोलते हैं। जैसे बहुत सारे पॉइंट को एक साथ सजा दिया जाए तो लाइन बन जाएगा, तो लाइन का, और लाइन को यदि मिला दिया जाए, लाइन को आपको जोड़ दिया जाएगा तो प्लेन बनेगा, और प्लेन को जोड़ करके सॉलिड बना दिया जाएगा। तो आप पॉइंट का प्रोजेक्शन सीखते हैं तभी आपके पास लाइन, और लाइन के बाद प्लेन, प्लेन के बाद सॉलिड का कंसेप्ट आएगा। तो डायरेक्ट सॉलिड यदि आपको पढ़ाया जाता है या आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको सॉलिड जो है डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप रट लीजिएगा, लेकिन आपका सिलेबस में सिर्फ सॉलिड लिखा है, लेकिन ये सब चीजें पढ़ाना पड़ता है और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो सॉलिड में जब हम लोग आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में, तो दो तरह का सवाल आता है। एक आपका प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड सवाल आता है, दूसरा सवाल ये आता है कि आपको 3D ड्राइंग यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिया हुआ रहेगा और उसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना रहेगा, मतलब 2D ड्राइंग आपको बनाना रहेगा। और ये ऑर्थोग्राफिक में मेन हम लोग क्या कर रहे हैं, 3D ड्राइंग को
2D में, हम लोग सिंपल वर्ड में ये समझें तो ये इस बात को आप समझ सकते हैं, 3D ड्राइंग को 2D में कन्वर्ट करना क्या कहला रहा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहला रहा है। और इसको हम लोग जब इतना पढ़ेंगे तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी खत्म हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे तीसरा यूनिट, और जैसा कि हमने आपको बताया कि तीसरा यूनिट जो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, 2D ड्राइंग से हम लोग 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं इसको, 2D से 3D ड्राइंग में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको 3D में हमको बनाना है, 3D में बनाना है, तीन डायमेंशनल बनाना है। तो इसके लिए हम लोग जैसे मान लिया जाए बनाते हैं, एक लाइन ले लिए 30 डिग्री के एंगल पे, इस तरफ लाइन 30 डिग्री के एंगल पे वाला वर्टिकल लाइन, या आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका ऐसे बनेगा, ये वाला बनेगा, ये आपका 3D में आपका ऑब्जेक्ट बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से ये आपका एक आपका सिंपल सा आपका क्यूबॉइड बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है। उसके बाद और भी चीजें, पेंटागोन बनाना, हेक्सागोन बनाना, आपका पेंटागोनल पिरामिड बनाना है, पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है, हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है, पिरामिड बनाना, ये सारी चीज जो है ना आप सीख जाइएगा। सर्किल, 2D में हम लोग बात करें तो सर्किल बनाना, स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना, ये सारी चीज, पेंटागोनल प्लेन बनाना, हेक्सागोनल प्लेन बनाना, ये सारी चीज जो है ना वो आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सीखते हैं। और इसमें आपका 2D से 3D तो कन्वर्ट हम लोग करते हैं, 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक काम और करते हैं इसमें, इसमें एक काम और हम लोग क्या करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, व्यू बनाते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाया जाता है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। और आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग ट्रू स्केल का इस्तेमाल करके बनाते हैं, ट्रू स्केल का, स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं, ट्रू स्केल का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चौथा यूनिट में आ जाएंगे। चौथा यूनिट जो है फ्री हैंड स्केचिंग एंड ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स है। मतलब फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब क्या है कि आपको फ्री हैंड से आपके पास इंजीनियरिंग एलिमेंट्स का, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान का, इंस्ट्रूमेंट का आपको क्या बनाना है, ड्राइंग बनाना है। तो इसमें जो बेसिकली आएगा ना वो आपका आता है नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट का ड्राइंग, ठीक है, नट एंड बोल्ट का। और दूसरा जो लिखा हुआ है नट एंड बोल्ट में, स्क्वायर टाइप का नट, स्क्वायर टाइप का बोल्ट हो गया, स्क्वायर हेडेड बोल्ट हो गया, हेक्सागोनल नट हो गया, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट हो गया, ये सब का ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद एक चीज और इसमें जोड़ा हुआ है कि आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड आपका जो टीचर है वो अपने मन से कुछ ड्राइंग बना करके सिखाएं, ये भी बात है। वहां पे आप पढ़िएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल का है या आपका कंप्यूटर साइंस का है या सिविल इंजीनियरिंग से आप रिलेटेड हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, टीचर जो है ना वो अपने मन से आपके ब्रांच से रिलेटेड कुछ सामान का ये बना करके दिखाए। तो ये लेकिन जो बेसिकली आपका एग्जाम में जो पूछा जाता है वो नट और बोल्ट का ही सवाल पूछा जाता है। नट और बोल्ट में जो आप यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये जो ऐसे बना हुआ रहता है छोटा वाला, ये आपका क्या होता है, नट होता है, नट होता है। और जो आपके पास ये लंबा सा रहता है, लंबा सा जो रहता है जिसको हम लोग ऐसे देखते हैं, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, बोल्ट होता है, ये आपका क्या है, बोल्ट है, ये पहचान बना लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपका थ्रेड कर किया हुआ ऐसे रहता है, थ्रेड किया हुआ ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये नट और बोल्ट का ड्राइंग हम लोग को बनाना है, इतना सिंपल नहीं बनाना है, इससे थोड़ा सा अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इंप्रिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंप्रिकल फॉर्मूला यूज करके नट और बोल्ट का ड्राइंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का चौथा यूनिट में बेसिकली नट और बोल्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और उसके बाद ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद पांचवा और छठा यूनिट जो है वो ऑटोकैड से रिलेटेड है, ये आपका है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस में क्या होता है कि आपको जो कंप्यूटर का जो ये आपका स्क्रीन जो अभी तक हम लोग ड्राइंग बना रहे थे, जो अभी तक जो हम लोग ड्राइंग जो चार यूनिट तक बने वो सब मैनुअल ड्राइंग था। मैनुअल ड्राइंग मतलब आपके हाथ में पेन पेंसिल स्केल वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट था, और उस स्केल से आप क्या कर रहे थे, लाइन बना रहे थे, जोड़ रहे थे लाइन को, और जैसे भी करके आप ऑब्जेक्ट तैयार कर दे रहे थे। लेकिन आपका ये लगता है कि प्रोडक्टिव काम है, मतलब आपका बेहतर तरीका का काम है, उसमें बहुत ज्यादा भार है। दूसरा बात, आप उसको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ बना करके दिल्ली भेजना चाहते हैं तो आप सीट पे यदि आप ड्राइंग बनाए हैं तो सीट को दिल्ली ले जाना मुश्किल का काम है, मतलब समय लगता था, समझ गए। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए
आपका क्या किया गया, कंप्यूटर जो अब जमाना आ गया कंप्यूटर, 1982 में ऑटोडेस्क नाम का कंपनी था, ऑटोडेस्क नाम का कंपनी था, ये आपका एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या रखा, ऑटोकैड। इसी ऑटोकैड से कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस से आपको ये जो सॉफ्टवेयर खुलेगा इसमें आपका यहाँ पे बहुत सारा चीज बना हुआ रहेगा, मेनू बार रहेगा, स्टेटस बार रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा, लाइन वगैरह यहाँ पे पेंटागोन हेक्सागोन पॉलीगोन ये सब बना हुआ रहेगा। उससे आपको क्लिक करके जैसे मोबाइल वगैरह में आप पेंट वगैरह से काम किए होंगे और इसको हम लोग को सीखना है, ठीक है। और सीखने के साथ साथ इससे जो आपका सवाल पूछा जाता है ना, जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसमें बेसिकली थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है, तो उस थ्योरेटिकल सवाल को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है, यहाँ पे पूरा थ्योरी इंटरफेस शॉर्टकट कीवर्ड को हम लोग समझेंगे। जैसे रेक्टेंगल बनाना है तो कौन सा शॉर्टकट कीवर्ड यूज करेंगे, स्केल हमको यूज करना है तो स्केल के लिए क्या शॉर्टकट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद टॉगल है, टॉगल में हम लोग को मान लिया टेक्स्ट विंडोज करना है तो टेक्स्ट विंडोज के लिए कौन सा आपका फंक्शन की यूज करेंगे, तो ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे इंटरफेस वाला में सीखेंगे। और इसके बाद अगला यूनिट जो आएगा ये आपका ऑटोकैड से ही रिलेटेड था, ऑटोकैड का अगला यूनिट जो है 6th यूनिट वो भी आपका ऑटोकैड से ही है और इसमें कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग करना है, कंप्यूटर एडेड उसमें मतलब पढ़ना है। और इसमें हम लोग को छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सर्किल बनाना है, पेंटागोन बनाना है, हेक्सागोन बनाना है, समझ गए। तो इस तरह से इसमें हम लोग को छोटा छोटा ऑब्जेक्ट जो है 2D डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट जो है ये सबको बना करके प्रैक्टिस करना है, तो ये वाला भी हम लोग 6th यूनिट में सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, क्या इसके पास कंसेप्ट होता है, इसका स्टेप लिखने के लिए आपको आता है कि आप राइट मतलब हाउ टू ड्रा रेक्टेंगल इन ऑटोकैड, ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ नहीं करना है पेपर में, उसका स्टेप लिखना है, 3-4 स्टेप है छोटा छोटा, वो सिंपल स्टेप को हम आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। और आपका आज जो पेपर दे रहे थे बच्चे, आज जो पिछला सेमेस्टर में ग्राफिक्स का जो आपका जो लोग पेपर दिए हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है उनसे, आप यदि भाई बहन कोई भी आपके पढ़ते होंगे तो उनसे आप यदि पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सर बताए थे और उसी तरह का सवाल आया है वो आपका वहाँ पे हमने सोल्व किया कि नहीं किया, ये आपको सारी बातें पता चल जाएगा। और यदि आप ये 6 यूनिट तक आप पढ़ लेते हैं तो आपका द ग्राफिक्स का जो यूनिट है वो आपका क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर और भी जो छोटा बड़ा कुछ डॉट है आपका उसका तो हर दिन सॉल्यूशन होते रहेगा, लेकिन पूरा थ्रू आउट यदि ये सारी बातें होता है तो उसके बाद हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि कुछ कमी रह गया, क्या चीज नहीं पढ़ाया गया, क्या छूटा, यदि आपको ऐसा लगता है तो उस पर हम लोग डिस्कस भी करते हैं। और हम लोग सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा समय के साथ और आज जो है क्लास यहीं पे खत्म किया जा रहा है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।